गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेशन 5। मैं आपकी टीचर अलका सिंह। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने पार्ट 2 पढ़ा, वर्ण एवं मात्राएं, ठीक है, जिसमें आप सभी लोगों ने वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन, उच्चिप्त व्यंजन, अयोगवा, ठीक है, मात्राएं क्या होती हैं और र का प्रयोग हम किन किन रूपों में करते हैं आदि हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आज हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पे। ठीक है, आपके ये है आपका प्रश्न उत्तर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क ख ग घ, चार क्वेश्चन है इसमें। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका खाली जगह भरिए। फिर है आपका पीछे, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से शब्दों को उचित मात्राओं से पूरा कीजिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर में आपके आपके बुक में क ख ग घ चार क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख के बता देती हूँ आपको और बाकी उसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज समझा दूंगी, ठीक है, फिर ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, डेट डालते हैं पहले। आपका सबसे पहले है प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वर्ण से आप क्या समझते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी, ठीक है, सारे आपके स्वर इसमें आ जाएंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वर्ण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। यही आपका आंसर है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क ख ग घ आ। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे वे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे चार है आपके संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ और श। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। वर्ण से आप क्या समझते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, अयोग वा किसे कहते हैं? जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन वह अयोग वा कहलाता है, जैसे हाँ उसमें तीन है, अयोग वा में तीन है, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु। ठीक है, तो अभी हम ये अयोग वा किसे कहते हैं आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, मात्रा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, अयोगवा किसे कहते हैं? ठीक है, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन अयोग वा कहलाते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न सात, मात्रा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, ये सबसे इजी डेफिनेशन है इसका और आप यही पढ़िएगा। ठीक है, स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, जैसे अ आ ई, आप लिख के उसकी मात्रा नीचे बना के उसको उदाहरण के तौर पे समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, प्रश्न आठ, लास्ट है आपका, नहीं अभी एक और क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? नाम बताइए। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है, अ आ
छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋ से ऋषि ए से एड़ी ए से ऐना ओ से ओखली और अ से औरत। ये एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा। नाम बताइए जब पूछेगा तो आपको उसमें पूरा लिखना है अ से लेके अ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिखिएगा आप। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, 9 क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, 5 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता दिए हैं, 6 7 8 9 आपके पास है। अयोगवा किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 है। मात्रा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 8 है, स्वरों की संख्या कितनी है, नाम बताइए। प्रश्न 9 है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर थे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए वाले। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, सही कथन के आगे सही का। सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है आपको क, क है आपका व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वरों स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी और स्वर के सहायता नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ती है। तो ये वाक्य सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ख। छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त वर्ण है। छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त वर्ण है। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र दो वर्णों से मिलके बना हुआ है, इसीलिए से संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। ड और ढ उच्चिप्त व्यंजन है। ड और ढ उच्चिप्त व्यंजन है। ठीक है, ड और ढ उच्चिप्त व्यंजन है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं घ पे। स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा
कहलाता है। ठीक है, स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा कहलाता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाले पे, अंग पे। क्या है ये? चंद्रबिंदु। ठीक है, अनुनासिक नहीं है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि चंद्रबिंदु जो होता है वो अनुनासिक चिन्ह होता है। ठीक है, हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क ख ग घ अंग, इसमें 5 क्वेश्चन थे, आपको दिखाई दे रहे सारे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 3, खाली जगह भरी। खाली जगह भरी, ठीक है, कब? पहला है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये जो मैंने यहां पे फिल किया, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर ख। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं, और ना ही व्यंजन, और ना ही व्यंजन। ठीक है, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अयोगवा। ठीक है, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर ख था। ग पे आते हैं। स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या, स्वर एवं व्यंजनों की कुल संख्या है। ठीक है, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और जब हम दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 44। ठीक है, 44 है। घ लास्ट। स्वरों का सूक्ष्म रूप, कहलाता है, स्वरों का सूक्ष्म रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ठीक है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जो वर्ण तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन अयोगवा कहलाते हैं। स्वर एवं व्यंजनों की कुल संख्या 44 है। स्वरों का सूक्ष्म रूप मात्रा कहलाता है। ठीक है, रख करूं मैं, देखिए आपने। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ज्यादा नहीं है दिया हुआ है, पिक्स बनी हुई होगी आपकी। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से शब्दों को उचित मात्राओं से पूरा कीजिए, ठीक है ना। पहला पिक है आपका प, ख लगा हुआ है, ठीक है ना। देखिए पंखा बना हुआ है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मात्रा लगानी है, पंखा, ठीक है। नीचे है टू पे आ जाइए, देखिए मर लिखा हुआ है, बना मोर है, ठीक है। म र लिखा हुआ है, हमें म पर ओ की मात्रा लगानी है, मोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, पिन बना हुआ है लेकिन लिखा पन है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है पन, तो हमें प पर छोटी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4 पे, ठीक है। नंबर 4 पे आइए, देखिए रुपया बना हुआ है, 5 का कॉइन बना हुआ है, ठीक है ना, लिखा है र प ए, ठीक है, तो इस पे र पे हमेशा छोटी की मात्रा रहती है, तो ऐसे लग जाएगी, ठीक है। फिर फूल बना हुआ है, लिखा है फल, फूल बना है लिखा है फल, तो फ पर बड़ा उखी मात्रा। नेक्स्ट है घर बना हुआ है जिसका पर्यायवाची गृह भी होता है, ठीक है, तो गह लिखा है, तो हमें ग पे वी की मात्रा लगानी है, ठीक है। ये आपका हो गया, आप इसको बुक में देख के इसका पिक्चर पहचान के अच्छे से मात्रा फिल करेंगे, ठीक है ना। हो सके तो पेंसिल कलर अगर आपके पास हो तो आप पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका इस लेसन का सारा क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज, बाकी सारे आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे जहां से आप अच्छे से उसको देख के कॉपी पे उतार सकते हो, ठीक है ना। आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आपको जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो आप उसको अच्छे से कॉपीज वगैरह पे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है, पहला भाषा, दूसरा वर्ण एवं मात्राएं। आई होप आप सारी चीजें अपनी कॉपीज पे लिख चुके होंगे, ठीक है, और उसको तैयार भी करते रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आप पढ़ेंगे पार्ट 3 संज्ञा, ओके स्टूडेंट। तो ये सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ आपका, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट।